क्या आप भी अपने फिक्सल लेम में हिंदी वाले फॉन्ट्स ऐड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने फिक्सल लेम में हिंदी वाले फॉन्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, उन्हें वहां पर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहां पर देखिए, हम अपने फिक्सल लेम में हिंदी वाले फॉन्ट्स कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको अपने फिक्सल लेम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे देखिए आप यहां पर ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए आपको न्यू फॉन्ट्स टेक्स्ट मिला है, तो सिंपली यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप कुछ भी लिखकर टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं इसे ओपन कर देता हूं, अभी ओके करेंगे तो देखिए यहां पर कुछ फिक्सल लेम में बहुत ज्यादा फॉन्ट्स नहीं मिलते हैं, यहां पर आपको कुछ डिफॉल्ट्स ही फॉन्ट्स मिलते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी वाले फॉन्ट्स ऐड करने का तरीका बताने वाला हूं, उन्हें कैसे डाउनलोड करते हैं, उन्हें कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए यहां पर आप ए सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर ए पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप इस तरीके से स्वाइप करते हुए आएंगे और आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर फॉन्ट्स पर आपको क्लिक करना है। फॉन्ट्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपके फिक्सल लेम के अंदर डिफॉल्ट्स कुछ फॉन्ट्स दिए जाते हैं जो काफी ज्यादा बेहतर नहीं होते, काफी ज्यादा स्टाइलिश अच्छे नहीं लगते हैं। यहां पर देखिए माइंड फॉन्ट पर क्लिक करके आप यहां से फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर फॉन्ट को ऐड करने से पहले आपको अपने मोबाइल में फॉन्ट्स को डाउनलोड करना होगा। तो इसे डाउनलोड कैसे करते हैं चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। इसे यहां से हम कट करेंगे, कट करने के बाद देखिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देखिए जैसे अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए आपको लिखकर सर्च करना है। चलिए यहां पर आप लिखेंगे गूगल फॉन्ट्स, देखिए यहां पर लिखेंगे गूगल फॉन्ट्स, लिखकर आप सर्च करेंगे तो गूगल की खुद की एक फॉन्ट्स लाइब्रेरी है, यहां पर देख सकते हैं गूगल फॉन्ट्स लाइब्रेरी आपके सामने ओपन होगी। यहां पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देख सकते हैं, चलिए जैसे यहां पर से कट कर देते हैं, अब जैसे देखिए आपके सामने ओपन हो जाएगा तो यहां पर आप बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, यहां पर आप जितने भी चाहे उतने फॉन्ट्स को यहां पर डाउनलोड्स कर सकते हैं। सारे के सारे फॉन्ट्स यहां पर आपको फ्री मिलते हैं और नो कॉपीराइट, कोई भी दिक्कत नहीं है, गूगल की खुद की फॉन्ट्स लाइब्रेरी है, यहां पर सभी के सभी फ्री फॉन्ट्स मिलते हैं। तो यहां पर आप जिस भी लैंग्वेज का चाहते हैं पर्टिकुलर उस लैंग्वेज को भी सेलेक्ट करके उसके यहां पर भी आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं हिंदी वाले फॉन्ट्स की बात कर रहा हूं तो देखिए यहां लैंग्वेज पर हम क्लिक करेंगे, अरबिक, बंगाली, चाइनीज, इस तरीके से आप जिस भी भाषा का चाहे उस भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर ग्रीक, गुजराती, अब नीचे चले जाएंगे तो बहुत सारी भाषा मिलेंगे, लेकिन हिंदी का हमें ऐड करना है तो देवनागरी पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हिंदी जो भाषा होती है वो देवनागरी भाषा है, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए हम ऐसे फिर से नीचे स्वाइप करते हुए जाएंगे तो यहां पर देवनागरी को हम फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको वो हिंदी में ही सारे के सारे यहां पर दिखाई दे। चलिए हम यहां पर फिर से सेलेक्ट करते हैं, देवनागरी पर क्लिक करते हैं, अभी देख सकते हैं पॉपिंस फॉन्ट देख सकते हैं इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। हम नीचे जितना भी जाएंगे हमको देखिए सारे के सारे हिंदी फॉन्ट्स इस तरीके से नीचे दिखते चले जाएंगे। ये सारे के सारे जिस भी इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं तो ये भी हिंदी में ही वर्क करते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से ये सभी हिंदी में ही वर्क करते हैं। इस तरीके से हम नीचे जाकर सारे के सारे फॉन्ट्स जो इतने भी डाउनलोड करेंगे यहां पर देवनागरी भाषा सेलेक्ट करने के बाद वो सब हिंदी में ही वर्क करेंगे। देखिए हम इस पर पॉपिंस पर क्लिक करते हैं, अभी हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर देखिए फॉन्ट्स की पूरी फैमिली डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए डाउनलोड फैमिली पर हम क्लिक करेंगे तो पॉपिंस फॉन्ट की पूरी जो फैमिली है वो डाउनलोड हो जाएगी। चलिए हम यहाँ से कट करते हैं, अब हम अपने फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं और डाउनलोड्स फोल्डर पर जाते हैं जहाँ पर ये सारी के सारी ये फाइल्स हमारी जो है वहाँ पर डाउनलोड हुई है। देखिए यहाँ आएंगे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पॉपिंस की जो हमारी फाइल्स है यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। चलिए मैं कट कर देता हूँ, ये दो फोल्डर एक्स्ट्रा हैं, कट कर देते हैं। अभी ये देखिए फाइल है यहाँ पर, तो जिप फाइल है ये, इसको अनजिप करना है तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, नीचे देखिए आपको यहाँ पर दो बिंदु या थ्री बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आपको अनजिप करने का भी ऑप्शन हो सकता है या फिर एक्सट्रैक्ट फाइल का, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए एक्सट्रैक्ट टू करंट फोल्डर्स आप क्लिक करेंगे, देन पॉपिंस लिखा हुआ है आप इस पर करेंगे क्लिक तो ये देखिए आपका जो फोल्डर्स है यहाँ पर बन जाएगा और सारे के सारे फॉन्ट जो है अनजिप हो जाएंगे, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐड कैसे करना है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फिक्सल लैब को आप अपने ओपन करेंगे, चलिए हम क्लिक करते हैं, हमारा फिक्सल लैब ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये ऐड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए, चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ऐड करने का तरीका क्या है, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, पहले यहाँ से हम ऐड करते हैं, अगर यहाँ से ऐड नहीं हो रहे तो यहाँ से भी आप ऐड कर पाएंगे। देखिए हम यहाँ पर फोल्डर पे ही क्लिक करते हैं, पूरा फोल्डर ऐड करना है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर डाउनलोड वाला जो फोल्डर आपको देखने को मिलेगा जिसमें अपनी फाइल को यहाँ पर फोल्डर में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। अभी पॉपिंस पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, आप एक एक करके भी सेलेक्ट करेंगे तो आप चाहे तो सारे एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐड डायरेक्टली पर क्लिक करेंगे, देखिए सारे के सारे फॉन्ट्स हमारे बहुत ही इजीली स्टेप में डाउनलोड मतलब ऐड हो चुके हैं। अब ऊपर देखिए यहाँ पर फॉन्ट्स में जो लिखावट है वो देख सकते हैं, इस तरीके से आप चेंज करेंगे, देखिए लिखावट भी चेंज हो रही है, देखिए क्लिक हो रहे हैं देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने जो भी फॉन्ट चाहे मल्टीपल फॉन्ट्स आप वहां से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। देखिए ये फॉन्ट्स इस तरीके से देखिए कितना अच्छा देखने को लग रहा है आपको, इस तरीके से उस पर कलर करेंगे डिजाइन करेंगे तो और भी बेहतर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप हम इस पर क्लिक करते हैं तो और भी नीचे देखिए आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड, आप यहाँ पर पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड भी क्लिक करेंगे तो ये एक्स्ट्रा उससे ज्यादा भी मोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने पिक्सल लेम में यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हिंदी वाले फॉन्ट्स सभी
ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट में बताइएगा, ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।